वेलकम टू एशियाज यंग आईएएस। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू का सेकंड चैप्टर, विच इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट टू। तो ये चैप्टर में भी हम सेम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। आप रेड पेन और ब्लू पेन रखें, रेड पेन और ब्लू पेन से जो जो की पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करते जाए, जैसे यहाँ हाईलाइट किया गया है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस का इनिशियल पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो डिस्कस होगा। सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी, तो न्यूट्रिएंट्स और उनसे एनर्जी एफिशिएंसी कैसे होती है, उनसे भी हम जैसे कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं, प्रोटीन्स और फैट से भी एनर्जी मिलती है वो दिया गया है। और फाइनली लास्ट कंटेंट जो चैप्टर का वो है सेल डिविजन। तो सेल डिविजन जो दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले है कैन यू रिकॉल। सो यहाँ पे 6-7 सवाल है यहाँ पे। तो पहला सवाल है, हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स यूजफुल फॉर बॉडी। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल कैसे है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये है न्यूट्रिएंट्स, 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलता है सीरियल से, जैसे कि राइस, वीट, चावल, गेहूं से। प्रोटीन्स हमको नॉन वेज फूड से ज्यादा मिलता है, पल्सेस से मिलता है, अंडे, फिश, मीट वगैरह से। और फैट जो है हमको तेल, घी वगैरह से मिलता है। विटामिन्स फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, मिनरल्स मिलते हैं फ्रूट्स से मिलते हैं, और वाटर, पानी। तो ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। अब हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल फॉर आवर बॉडी। तो ये कैसे हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, तो उसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे। ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स, इससे हमको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग होती है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट ग्रोथ हो पाता है। फैट्स ये एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल रिपेयर में भी काम आते हैं। और वाटर, पानी, ये तो इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है, लुब्रिकेंट है, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स भी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ब्लड भी मेजरली वाटर ही होता है, तो वाटर इज एसेंशियल। विटामिन्स, काफी सारे केमिकल रिएक्शन में विटामिन्स एसेंशियल होते हैं। मिनरल्स भी एंजाइम फंक्शन, नर्व इम्पल्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट सवाल का जवाब हुआ। फिर दूसरा सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी। हमारी बॉडी में जो डाइट है बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब जो ही हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ये 6 न्यूट्रिएंट्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इसके लिए फूड पिरामिड होता है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क ऑल्टरनेटिव, जिससे हमको इवन प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं, वो सब चाहिए। और सबसे कम हमको फैट चाहिए, फैट, सॉल्ट, शुगर। तो ये यहाँ पे फूड पिरामिड है। तो बैलेंस डाइट काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम देखते हैं ओबिसिटी हो जाती है लोगों को, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिससे काफी डिजीजेस होते हैं। फिर तीसरा सवाल है, विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मसल्स इन बॉडी। हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, मसल्स के अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग टाइप के भी मसल्स होते हैं। ये देखो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मूवमेंट के लिए काम आते हैं, पोस्चर के लिए काम आते हैं। सिर्फ बोन्स हो गए, मसल्स नहीं हो गए तो कैसे चलेगा। जॉइंट स्टेबिलाईज होते हैं, हीट जनरेट होती है बॉडी में, तो ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स का फंक्शन है। कार्डियक मसल्स भी होते हैं, हार्ट मसल्स जो जरूरी है हार्ट के लिए, स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं बाकी ऑर्गन्स में। और जो ये जो हम जनरली मसल की बात करते हैं वो स्केलेटल मसल्स की बात होती है। तीनों मसल्स इंपॉर्टेंट है, तो तीनों मसल्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर चौथा सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम आते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह जो होते हैं, यहाँ आप देखो जैसे आप खाना मुंह में डालते हैं, स्टमक में जाता है और इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो यहाँ पे काफी सारे जूसेस आते हैं। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस आप देखो माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवा जो हमारी मुंह में जो होता है, तो सलाइवा से जो हमारे मुंह में पानी आता है वो जो बोलते हैं वो सलाइवा होता है। तो उसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये है। फिर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, उसका भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो डाइजेशन में सब इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। सलाइवा से इवन कार्बोहाइड्रेट्स जो है ब्रेक डाउन होना शुरू भी हो जाते हैं। फिर गैस्ट्रिक जूसेस है, फिर पैनक्रियाज से भी जूस सीक्रेट होके आता है स्टमक में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके सारे जूसेस जो है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
उसके बाद फिफ्थ सवाल है, विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया गया है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मेन उसका ऑर्गन है किडनी। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रोजिनियस वेस्ट जो हमारी बॉडी में होती है अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड के फॉर्म में, वो हमारी बॉडी से निकाली जाती है। तो ये किडनी यूरेथ्रा, इससे ये पूरा फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूरा फंक्शन होता है। फिर अगला है, तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन? सो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जो हार्ट से होता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन से सारे जो हमारे बॉडी में जो भी है, जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचता है, लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, तो वो काम ब्लड करता है। इवन जो हम खाना खाते हैं फूड, वो भी पूरी बॉडी में ग्लूकोज जो है एनर्जी भी हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचता है। इवन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो सब भी बॉडी में से सब ब्लड के थ्रू ही, तो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड जो होता है, तो प्योर ब्लड जो चीजें हमारी बॉडी को चाहिए वो पहुंचा रही है, इम्प्योर ब्लड ये सब जो वेस्ट है वो वापस लेके जा रही है। तो ब्लड है, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिससे डिजीज को फाइट कर सकते हैं हम, तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हार्ट के थ्रू होता है, देखेंगे। तो हमारा सवाल ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम एनर्जी प्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करता है? तो एनर्जी प्रोडक्शन में ऑफ कोर्स ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन थ्रू ब्लड ही सारे बॉडी को मिलता है, ग्लूकोज भी थ्रू ब्लड मिलता है, और जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उससे ही हमको एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम चैप्टर में आगे देखने वाले, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के थ्रू, वो हम पॉसिबल है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही पहुंचता है बॉडी में, हर पार्ट हर सेल ऑफ द एवरी सेल ऑफ द बॉडी गेट्स इट। फिर लास्ट सवाल है, हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड इन हाउ मेनी वेज? तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो हाँ, ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है द ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम मतलब द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और हमारी पूरी बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स है वैसे ही नर्व्स भी होते हैं, जिससे जैसे कि अगर हम कुछ गर्म को हाथ लगाते हैं तो फट से हमारा हाथ हट जाता है, तो हमारे नर्व्स को वो सिग्नल जाता है जो ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन सिग्नल वापस भेजता है कि हाथ हटा, तो इतना क्विक वो रिस्पॉन्स होता है जो ये। तो ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, तो ये नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एंडोक्रीन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में काफी सारे ग्लैंड्स है जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो उससे भी बॉडी रेगुलेट होती है। तो दोनों एंडोक्रीन सिस्टम और नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काफी सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बॉडी में। तो हमारा बॉडी, हमारी बॉडी सेल से बनी है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के टाइम पे भी किया था। ये डायग्राम हम एक बार फिर से देखेंगे कि कैसे सेल्स मेकअप टिश्यूज। तो ये है पूरा फ्लो, जैसे हम एटम्स मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बन के बनते हैं सेल। तो सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। तो सेल्स जो है, सेल्स मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यूज मिलके बनते हैं ऑर्गन्स। तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टमक दिखाया गया है, किडनी है, लंग्स है, लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, ये एक एक ऑर्गन्स है। और ऑर्गन्स मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा, सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो वही चैप्टर में यहाँ पे शुरू में लिखा गया है कि हमारी बॉडी में काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसके एग्जांपल्स यहाँ दिए गए, कंट्रोल सिस्टम्स जैसे कि एंडोक्रीन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो हमारी बॉडी इनके थ्रू फंक्शन करती है, और ये सारे फंक्शन इंडिपेंडेंटली भी करते हैं पर कोऑर्डिनेट होना भी जरूरी है इनके बीच में, आपस में मिलजुल के काम करें। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम फंक्शन करता है इसके लिए एनर्जी की जरूरत है, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है, कंटिन्यूअसली एनर्जी की जरूरत है, जिससे लिए हमें खाना होता है, और खाने में हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स एंड लिपिड्स। फैट्स एंड लिपिड्स दोनों का मतलब मेन सेम ही है, मतलब फैट्स। तो फैट्स एंड लिपिड्स जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स और फिर फैट्स एंड लिपिड्स। और ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में? इट इज हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये हर एक सेल में, हर एक बॉडी में, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ पे ये एनर्जी प्रोडक्शन होता है।
इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये सेल है, सेल के अंदर मेन बीच में होता है न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। बाकी का जो पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर और सारे ऑर्गेनेल्स भी है, जैसे कि हम जो डिस्कस करना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, तो राइबोसोम जो टीआरएनए होता है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरआरएनए भी होता है, तो राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोम के थ्रू होता है वो ट्रांसलेशन। फिर साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में और भी जो है लाइजोसोम्स है, सेल को कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है हमारा मेन यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लार्जर सेल्स में, तो लार्ज हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है। तो इसका फंक्शन मेन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो कैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो हम पूरे चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले। और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके मतलब जो हमारे बॉडी में जो शुगर फैट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इससे ब्रेक डाउन करके एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी चैप्टर में आगे आएगा। तो जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है इनको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब कि ब्रेक डाउन होकर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, फिर जब चाहिए सेल जो है ये एटीपी यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो जो है पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे नहीं क्योंकि फिर बहुत बोरिंग हो जाता है, जो भी हमने डिस्कस किया उसके अंदर ये सब कुछ कवर्ड ही है। तो आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे आता है ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अभी ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। फिर आते हैं जो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे जो यहाँ पे देखो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करके लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस या केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में कीमोसिंथेसिस में फूड बनाया जाता है, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर हेटरोट्रॉफ्स जो है वो जैसे ह्यूमंस इवन हर्बिवरस एनिमल्स जो है प्लांट्स वगैरह को खाते हैं या जो एनिमल्स को खाते हैं वो सारे उनको हेटरोट्रॉफ्स किया जाता है, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ऑटोट्रॉफ जो खाना बनाते हैं खुद का, थोड़ा खाना वो खुद यूज करते हैं, बाकी सारा स्टोर किया जाता है, जैसे फ्रूट्स लीव्स स्टेम रूट्स में ये सब खाना उनका स्टोर्ड होता है। तो जब हम खाते हैं जो तो हम प्लांट मटेरियल खाते हैं तो उससे भी हमको काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज यहाँ लिखे गए, जैसे कि मिल्क से मिलता है फ्रूट्स जैगरी केन शुगर वेजिटेबल्स पोटेटोज स्वीट पोटेटोज स्वीट मीट और सीरियल्स, जैसे कि मेन सोर्सेस सीरियल्स ही होते हैं राइस वीट जवार बाजरा रागी मेज एक्सेट्रा। और कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये आगे चैप्टर में इवन कार्बोहाइड्रेट्स का आया, अब एनर्जी प्रोटीन से भी एनर्जी मिल सकती है और फैट्स एंड लिपिड से भी एनर्जी मिल सकती है, तो कितनी मिलती है वो भी है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। We get 4 kilocalories of energy per gram of carbohydrates. फिर नीचे है, many players are seen consuming foodstuffs during breaks of the game. तो game के breaks के time पे आप देखेंगे energy drink या कुछ भी players लेते हैं। तो क्या लेते हैं और क्यों लेते हैं? तो use your brain power में सवाल है, why may be the players consuming these foodstuffs? तो इसका सवाल क्या आएगा, वो ये चीजें क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो इसलिए वो ये फूड स्टफ लेते हैं ताकि वो फुर्ती से काम कर सके फिर अपना खेल खेल सके। फिर है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट अकर? तो रेस्पिरेशन 9th स्टैंडर्ड में भी था, तो इधर सवाल है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है वो आप बताओ। तो ये एक्चुअली डायग्राम भी है रेस्पिरेशन के ऊपर, और रेस्पिरेशन 2 लेवल पे होता है, बॉडी लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे। तो बॉडी लेवल पे कैसे होता है, जो हम रेस्पिरेशन समझते हैं, रेस्पिरेशन मतलब हम जो सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं वो हमारी विंड पाइप से जाकर लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचता है, तो वही काम होता है रेस्पिरेशन मेन। तो वो बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन है, लेकिन हर एक
सेल में भी जैसे हमने देखा हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो ऑक्सीजन एक्चुअली हमको हर एक सेल में पहुंचाना है, तो सेल्यूलर लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है। तो एक्चुअली लंग से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होता है थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू सप्लाई होता है, और फिर जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन हर एक जगह पर पहुंच गया तो हर एक सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो नीचे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे, लेकिन जो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है उसका ये डायग्राम है बुक में, इसके जो भी ब्लॉक्स है वो आपको भरने हैं। तो ये हर एक को लेबल करना है, ये है नोज, फिर ये है माउथ, तो यहाँ पे ये नोज और माउथ से कनेक्टेड है विंड पाइप। तो हम सांस अंदर नाक से ले सकते हैं, मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, तो नोज ये कैविटी जो है कनेक्टेड है, तो ये विंड पाइप है, विंड पाइप को कहते हैं। यहाँ पे एक लैरिंग्स पार्ट भी है, विंड पाइप जो है उसको कहते हैं ट्रैकिया। तो ये पूरा जो पाइप है ट्रैकिया है, और यहाँ पे एक ऑर्गन होता है ये लैरिंग्स यहाँ पे। फिर ये है ब्रोंकाई, तो ये दो दो हमारे लंग्स है, तो लंग्स के अंदर ऐसे ब्रांचेस बनते हैं, जैसे ये जो ट्रैकिया विंड पाइप जो है दो डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में, और एक लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाता है, और वो फिर फर्दर डिवाइड होता है और डिवाइड होता है, तो उसके और ब्रांचेस बनते हैं ये पाइप के, तो उसको कहते हैं ब्रोंकाई, राइट। और यहाँ पे ये लंग बताया गया, तो ये दोनों लंग्स है, राइट। और ये है डायफ्राम, तो यहाँ पे एक जो ये ऐसे प्लेट जैसे होता है फ्लेक्सिबल प्लेट, तो वो ऊपर नीचे होती है, जैसे हम सांस लेते हैं और कम ज्यादा, तो वैसे हमारा जो लंग्स है वो फूलते हैं, तो ये डायफ्राम नीचे ऊपर होता है, तो ये है डायफ्राम। फिर नीचे और डिटेल में जो दिया गया है ये डायग्राम, तो ये ब्रोंकाई का डिटेल है, तो ब्रोंकाई के और ब्रांचेस होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और उसके ऊपर बबल्स जैसे से सैक्स होते हैं, एयर सैक्स, एयर की थैलियां, तो उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये डायग्राम जो है ये इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये भी वही डायग्राम है आपका जो टेक्स्ट बुक डायग्राम का ही, तो ये नेजल कैविटी यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये नोज है तो नेजल कैविटी यहाँ पे अंदर नेजल कैविटी है, फिर ये फेरिंग्स और लैरिंग्स है यहाँ पे। फेरिंग्स एक्चुअली जो नेजल कैविटी मतलब नाक का जो हिस्सा है, नाक के अंदर का हिस्सा, मुंह के अंदर का जो कैविटी मतलब खड्डा जो हिस्सा जा रहा है अंदर, तो उसको दोनों को कनेक्ट करते हुए यहाँ फेरिंग्स होता है, और ये लैरिंग्स जो हमारे डायग्राम में टेक्स्ट बुक में है वहां पे हम लैरिंग्स को लेबल करते हैं, तो लैरिंग्स इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, तो जो हम बात करते हैं तो जो अंदर से आवाज आती है तो ये वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स। फिर ये विंड पाइप ट्रैकिया, फिर ये दो लंग्स बराबर, और फिर ये जो ट्रैकिया से दो दो ब्रांचेस बनते हैं, फर्दर ब्रांचेस बनते हैं, ये दो ब्रांचेस को ब्रोंकाई, फिर और ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल कहते हैं, जो लेबल नहीं किया हुआ है आपके डायग्राम में भी नहीं है, और ये है एल्वियोलाई यहाँ पे जो एयर सैक्स होते हैं, और ये डायग्राम। तो ये आपका डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है बॉडी में रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन के लिए फूड स्टफ जो है ऑक्सीडाइज होते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, इवन ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, वो हम देखेंगे नीचे मसल्स में होता है। तो ये देखो, फिर अब है कैन यू टेल, तो कैन यू टेल में है यहाँ पे हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट्स, मेजरली मोस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चल जाएगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। फिर दूसरा सवाल है विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम्स। तो ये एक्चुअली कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में आप साइंस 1 में भी पढ़ोगे, चैप्टर 9 जो है कार्बन कंपाउंड्स, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। फिर थर्ड सवाल है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो जब मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का बेसिकली मतलब होता है कि ऑक्सीजन उसको मिला है, मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, या तो एटम्स लूज हुए, तो दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो ये केमिस्ट्री पार्ट है, ये पता होना चाहिए। फिर अगला सवाल है, अगला आगे है कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड्स। इसका क्या मतलब है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है, जैसे हमने स्टार्ट किया जब चैप्टर तो था न्यूट्रिएंट्स, 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखा हमने, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना।
तो वो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज. सी ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स. तो ये सेल्स में ऑक्सीडाइज होता है, इसको ब्रेक डाउन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन उसी को कहते हैं. तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ऑब्टेन होती है. एंड एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका भी पूरा एक बॉक्स है आपके बुक में, आगे हम देखेंगे एटीपी के बारे में. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, हमने देखा बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल लेवल. अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में दो टाइप्स के होते हैं, तो वो भी हमने कई बार अभी देख लिया है, एरोबिक और एनएरोबिक. एरोबिक मतलब एयर अवेलेबल है, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व. एनएरोबिक मतलब नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व. तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडेशन जो स्टेप्स है वो आपका डिटेल में यहाँ दिया गया है, देखो. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है थ्री स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेज देखते हैं ग्लाइकोलिसिस. सो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब के साइटोप्लाज्म मतलब के जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो सब है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, लिक्विड जैसा होता है, जेल लाइक, तो उसके अंदर सब रहता है. तो साइटोप्लाज्म मतलब बाहर कोई पर्टिकुलर सेल के ऑर्गेनल में है. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो सेकेंड स्टेप है थ्री स्टेज प्रोसेस में, ये वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो जो मेन पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है फर्स्ट स्टेज, वो साइटोप्लाज्म में होता है. तो ये एक डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए. ग्लाइकोलिसिस जैसे नाम से समझ में आता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब स्प्लिट करना. तो शुगर, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, सारे शुगर जो होते हैं वो कार्ब्स होते हैं. तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली जो इसमें बनता है वो है पाइरुविक एसिड. तो दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के बनते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी बनता है और NADH2 मॉलिक्यूल भी बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये पाइरुविक एसिड जो है वो मेन है. पाइरुविक एसिड जो बनता है इसके अंदर, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो मॉलिक्यूल है, फिर वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर वो हम देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और वहां पे रिएक्शंस होते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे. आपकी बुक में एक डायग्राम भी है, ये फ्लो चार्ट जैसे, वो भी हम देख लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे फर्स्ट स्टेज ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस के नीचे फिर आप देख रहे हैं पाइरुविक एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा. अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं. तो ग्लाइकोलिसिस और फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, उसको और एक नाम दिया गया है क्रेब्स साइकिल. तो तीनों स्टेजेस के दो नाम है, मतलब दे आर नोन बाय टू नेम्स. ग्लाइकोलिसिस भी ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है. और फिर फाइनली जो बनता है वो यहाँ पे ये डायग्राम है. तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमको एनर्जी जो है, एनर्जी हमको ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे होता है उससे भी मिलेगी और लिपिड्स और प्रोटीन से भी मिलता है. तो लिपिड्स का जो सिंपल फॉर्म है वो फैटी एसिड्स है, प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म है एमिनो एसिड्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज जिसके ऊपर ग्लाइकोलिसिस होता है. और तीनों में देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और फिर क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी उसमें प्रोड्यूस होता है. ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आउटसाइड आउटपुट होता है अलॉन्ग विथ एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी. तो अभी हमने जो देखा है वहां तक फिर से जाते हैं. तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बने, जो आपको फ्लो चार्ट है उसमें आपको ये डालना है. ये सवाल पूछे भी गए हैं बोर्ड में और ये फ्लो चार्ट पूछ भी सकते हैं, बॉक्सेस ब्लैंक छोड़ के जहाँ पे भी ब्लैंक होगा वहां आपको लिखना होगा. रिवर्स में भी पूछते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एकदम नीचे लिखा हुआ और ऊपर ऊपर आपको फिल करना है, तो फ्लो जैसे ऊपर से नीचे एरो या नीचे से ऊपर एरो आप फिल करने आना चाहिए. तो स्टेप्स यही है, ग्लाइकोलिसिस में पाइरुविक एसिड बना, पाइरुविक एसिड बनता है फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ये भी याद रखो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, जो अभी हमने देखा ईएमपी पाथवे. फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का भी दूसरा नाम है आप देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है इसको. तो अभी क्रेब्स साइकिल में क्या होता है वो हम देखेंगे. आप देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में गया, यहाँ पे साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं. तो ये साइकिल नाम इसीलिए क्योंकि वो साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल
में, और एसिटाइल को एंजाइम ए का एसिटाइल पार्ट है जो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है इन दिस प्रोसेस, और फिर से वही ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, FADH2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। NADH2 और FADH2 क्या है वो भी डिटेल में नीचे दिया गया है, और यही दो मॉलिक्यूल्स जो है अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका फर्दर नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में होता है उनके ऊपर, और इससे ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हर एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और हर एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है, राइट? और ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ऑफ कोर्स इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो ये पूरा 3 स्टेज में जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। ATP का डिटेल यहाँ दिया है, NADH2 क्या होता है, FADH2 क्या होता है वो भी दिया है, हम देखते हैं। तो ATP होता है जैसे हमने देखा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी इसमें स्टोर की जाती है। कैसे स्टोर की जाती है? इसमें ATP में बॉन्ड्स होते हैं, ट्राई बॉन्ड्स, मतलब ट्राइफॉस्फेट जैसे, तो 3 बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फेट का। तो उसके अंदर यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, ये देखो ये एडेनाइन है और ये फॉस्फेट बॉन्ड्स है, तो ये बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। देखो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से ये एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बन रहा है, 2 फॉस्फेट रह गए, एक का बॉन्ड टूट गया, तो ये एनर्जी रिलीज हुई। तो ऐसे ATP आप देख रहे हैं फुल बैटरी है, और ADP में मतलब बैटरी लो हो गई, तो ये एनर्जी यूज की गई ऐसे। तो ये इनके फॉस्फेट बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है, और ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स, और ये इसमें एनर्जी स्टोर होती है, और जब जरूरत होती है तब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी मिलती है। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फिर बन जाता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसमें फिर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो एडेनाइन है ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, और फिर जो फॉस्फेट ग्रुप है तो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और उसके अलावा होता है पेंटोस शुगर जो है राइबोस, तो एक शुगर भी होता है। ये हम देख रहे हैं एडेनाइन, राइबोस और ये फॉस्फेट बॉन्ड्स, तो 3 चीजों से ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना होता है। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का नाम है एडेनाइन, पेंटोस शुगर का नाम है राइबोस, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, और जैसे जरूरत है वैसे ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, इसलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। और NADH2 FADH2 क्या होता है वो यहाँ दिया गया है, NADH2 तो NADH2 है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये उसका फुल फॉर्म है, N मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन और फिर डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये H2 मतलब हाइड्रोजन। तो FADH2 भी है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये बोथ ये दोनों एंजाइम्स है, ये सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे जैसे हमने प्रोसेस देखा उसके अंदर ये NADH2 FADH2 बनते हैं, और थर्ड स्टेप में ये भी जो है ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हम थोड़ा ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन थोड़ा और डिटेल देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस ऐसे हमने कहा इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे, ये 3 साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में आगे आएगा, एमडेन, मेहरोफ, बर्नास पाथवे। और जैसे हमने बोला नाम जो है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, ग्लूकोज मतलब स्वीट, और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो है साइटोप्लाज्म में होता है जैसे हमने देखा, तो दो पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ये प्रोसेस में भी एनर्जी यूज होती है, तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब इवेंचुअली हमको 2 ATP मॉलिक्यूल्स नेट मिले यहाँ से, नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। मतलब हमको अगर जैसे हमारे पास 2 रुपए है, 2 रुपए हमको लगे कहीं एक जगह पहुंचने को, और वो जगह पहुंचकर हमको 4 रुपए मिलने वाले, तो नेट हमारे पास 2 रुपए हुए, क्योंकि 2 तो हमने खर्चा खुद के पैसे से किए थे, तो मतलब नेट 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे। और आगे ये जो है 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जैसे हमने देखा। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पाइरुविक एसिड जैसे हमने देखा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस होता है, और NADH और NADH भी बनते हैं, तो ये डिटेल और भी देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन का डिटेल है, हमने जैसे देखा NADH और FADH2 दोनों से ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास NADH के कितने मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
तो हर एक एनएडीएच अगर 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है तो हमारे पास 30 ATP मॉलिक्यूल्स आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, और FADH2 के हर एक मॉलिक्यूल 2 ATP देता है और टोटल हमारे पास 2 FADH2 बनते हैं, तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, मतलब 34 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिलते हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल्स ट्राइकोबॉक्सलिक एसिड साइकिल से भी मिलते हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमको क्रेब्स फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस से भी मिलते हैं, तो टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंकेट टेक्स्ट बुक का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे मिले, तो जो हमने ग्लूकोज में बात की, यहाँ 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज हुए और 4 बने, तो नेट 2 ATP, और पाइरुवेट बना और पाइरुवेट से बनता है एसिटाइल को एंजाइम है, जो क्रेब्स साइकिल में फिर से NADH और FADH2 बनते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे 2 NADH और यहाँ पे 8, मतलब टोटल 10 NADH, जो हमने पहले स्लाइड में देखा, प्रीवियस स्लाइड में, कि 10 NADH है और 2 FADH2, तो टोटल यहाँ पे हो गए, जैसे हर एक, और ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि ईच NADH2 produces 3 ATP molecules if each FADH2 produces 2 ATP molecules, तो वो है, तो total net 38 है, ये आपका textbook का fill in the blank है। अगर आप textbook में देखोगे exercise में, तो पहला सवाल है वो यही है, after complete oxidation of glucose dash number of ATP molecules are formed, तो इसका answer आएगा 38, 34 थर्ड स्टेज में और दो दो प्रीवियस दो स्टेज में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, तो टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, और फिर एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डैश मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन, तो पाइरुविक एसिड है तो वो पाइरुविक एसिड पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं, तो ये भी आंसर हम कर सकते हैं अब तक जितना किया उससे हम। फिर अभी जाते हैं चैप्टर, यहाँ पे लिखा है इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम है तो हमारी बॉडी से फिर लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है तो फैट यूज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए फैट अक्यूमुलेट होता है बॉडी में, और प्रोटीन्स भी लास्ट स्टेज है, प्रोटीन्स जो है तो मसल्स हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, मसल्स कम होते जाएंगे, तो जो गरीब लोग वगैरह होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, क्योंकि उनको अगर कार्बोहाइड्रेट्स इनफ नहीं मिलता तो उनके फैट्स तो होते नहीं है स्टोर, तो वो प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो अगर तो है मतलब लिपिड्स और प्रोटीन से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, लिपिड्स मतलब फैट्स, तो लिपिड्स जो है उनको कन्वर्ट होते क्या जाता है, उनका सिंपलर फॉर्म है फैटी एसिड्स और प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है एमिनो एसिड, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चैप्टर्स में भी साइंस वन में भी ये काम आएगा, ये पता होना चाहिए, लिपिड्स का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड्स, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है एमिनो एसिड्स, तो दोनों से भी फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल स्टेप नहीं होगा हमारा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होकर पूरा सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तो ये हमने ऑलरेडी डायग्राम देखा कि कैसे लिपिड्स और प्रोटीन से भी एसिटाइल को एंजाइम ए बन के पूरा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमने देखा ये एरोबिक रेस्पिरेशन है राइट, और ये फिर है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी डिटेल लिया गया है, वो हम देखेंगे बाद में। यहाँ पे एक टेबल है, ऊपर बॉक्स है, इसके अंदर है रिगार्डिंग साइंटिस्ट जिनके जिनके नाम पे ये जो साइकिल्स को नाम दिया गया, जैसे ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं जैसे हमने देखा, तो ये है एम्डेन मेयरहॉफ परनास पाथवे, तो ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया, इसलिए उनके नाम पे इस ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ट्राइकोबॉक्सलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल को सर हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, तो ये क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में इसके लिए, सर हैंस क्रेब, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन का दूसरा नाम ये, फिर आ जाते हैं हम आगे रिगार्डिंग एनेरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है, डायग्राम देखने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं पैसेज क्या है, उसके बाद देखेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनेरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो थोड़े ऑर्गेनिज्म से ऑक्सीजन में नहीं रहते जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस उनका भी होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, पाइरुविक एसिड बनेगा, पर फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनके क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, वहां पे फर्मेंटेशन होता है, तो फर्मेंटेशन का स्टेप होता है, देखो पाइरुविक एसिड और फिर फर्मेंटेशन, और फिर डिपेंडिंग ऑन क्या है वो, तो अलग अलग फर्मेंटेशन से अलग अलग चीजें बन सकती है, जैसे अगर फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बना तो यीस्ट
जो है यीस्ट, जो एग्जाम्पल है यीस्ट जो है उसमें फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल बनता है, मसल सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स रेड ब्लड सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है फर्मेंटेशन से, एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे, और काफी माइक्रोब्स होते हैं वो फर्मेंटेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे विटामिन्स बनाते हैं, विनेगर वगैरह बनता है। तो ये एक्चुअली उल्टा दिया गया है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया है, और उनमें ये स्टेप्स होते हैं और ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटेशन के बाद वो इम्पोर्टेंट है, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और ये विनेगर। तो ये हम देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस होता है, फर्मेंटेशन, टू स्टेप्स एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, तो इसीलिए इसमें एनरोबिक रेस्पिरेशन एफिशिएंट नहीं है, इसमें कम एनर्जी ऑब्टेन होती है। पायरोविक एसिड भी यहाँ जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल, तो पायरोविक एसिड से यहाँ जैसे एसिटाइल को एंजाइम ए बना और फर्दर ब्रेक डाउन हुआ वो यहाँ नहीं हो रहा है, पायरोविक एसिड से यहाँ पे फर्मेंटेशन होके जो है अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स अल्कोहल्स बनते। तो ये प्रोसेस को जो पायरोविक एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। सीड्स में भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, तो वहां पे फिर एयर अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है सीड्स। सेकेंड एग्जांपल है हमारे मसल सेल्स में भी, कभी हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल्स में इतना ऑक्सीजन वो टाइम पे जो है पूरा कंज्यूम हो गया मसल सेल्स में, तो फिर उनको फिर रेस्पिरेशन एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी वहां पे फिर एनरोबिक रेस्पिरेशन होके, विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन होके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये कम एनर्जी होती है लेकिन इंस्टेंट वहां पे एनर्जी मिलती है हमारे मसल्स को, और ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जैसे हमने देखा फर्मेंटेशन जो हो रहा है ये ग्लाइकोलिसिस के बाद, तो ये इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये एसिड अक्यूमुलेट होने की वजह से फिर हमको वहां पे मसल में पेन और टायर्डनेस वगैरह होती है। तो ये होता है एनरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल्स, सीड और मसल सेल्स, और काफी बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते। फिर आ गया कैन यू टेल, तो यहाँ पे है पहला विच टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तब इसका आंसर आपको आना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन एनेरोबिक रेस्पिरेशन, और विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो वहां पे ही होगा। अब है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, तो एनर्जी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था, ये इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे इसके अलावा दूसरा भी दिया हुआ है 4 किलो कैलोरीज पर एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको प्रोटीन से भी मिलती है, लिपिड्स फैट्स से हमको ज्यादा एनर्जी मिलती है, लिपिड्स का हम देखेंगे यहाँ पे 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ लिपिड्स एनर्जी मिलेगी हमको, और अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मसल्स में और लिवर में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्म में होते हैं ग्लाइकोजन, तो ये है, और अगर एक्सेस लिपिड्स है तो लिपिड्स भी स्टोर हो गए, लिपिड्स एक्सेस स्टोर होते हैं इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, जो हमारी बॉडी में फैट अक्यूमुलेट हो जाता है वही एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो ज्यादा फैट खाने से हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होता है। अब देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में देखा है कि कैसे एमिनो एसिड्स बॉन्ड होते हैं, अगर आप रिकलेक्ट करोगे तो आपको याद आए ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं जिनके ऊपर कोड होता है, तो हर एक एमिनो एसिड का एक कोड होता है, तो वो ट्रिपलेट कोडॉन्स के हिसाब से जो है tRNA फिर वो एमिनो एसिड लेकर आते हैं, सारे एमिनो एसिड्स बॉन्ड होते हैं और फिर फाइनली जो प्रोटीन बनता है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हमने डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में किया है, तो वही है प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन करेंगे तो एमिनो एसिड्स बनेंगे, यहाँ पे भी हमने डायग्राम में भी हमने देखा है प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म है एमिनो एसिड, फैट्स का सिंपल फॉर्म फैटी एसिड, और ग्लूकोज ग्लूकोज का सिंपल फॉर्म है जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज। तो अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे और एक पॉइंट दी गए जो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है वो है प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन को कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स हमको प्लांट सोर्स से भी मिलते हैं और एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं, तो एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, प्लांट सोर्सेज जैसे हमने देखा पहले भी पल्सेस वगैरह में प्रोटीन्स होते हैं, तो एमिनो एसिड्स जो है, तो एमिनो एसिड्स भी हमारी बॉडी में यूज होते हैं और ये हमारे पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, और हर एक एमिनो एसिड अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जिनका अलग अलग काम है, तो पूरा ये डायग्राम दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपको आना चाहिए, प्रोटीन्स एंड डिफरेंट एमिनो एसिड्स ऑब्टेन,
तो जैसे हमारे मसल्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन, तो फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स है। फिर ब्लड में जो अमीनो एसिड्स है वो है हीमोग्लोबिन। ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली है, तो अमीनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स है। तो यही है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, ये सब प्रोटीन्स है। स्किन में मेलेनिन, केराटिन जो हमको ब्लैक कलर भी मिलता है, तो मेलेनिन, केराटिन ये प्रोटीन्स है। बोन्स में ओस्टिन इज अ एमिनो एसिड। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, और कहाँ है वो, ये इवन कोरिलेशन में भी आ सकता है। जैसे स्किन मेलानिन बोन्स डैश, तो आपको आना चाहिए बोन्स ओएससी। वैसे ही जैसे पेनक्रियाज इंसुलिन, ब्लड तो आप लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन। ऐसे मसल्स में एक्टिन मायोसिन याद रखना है। पिच्यूटरी ग्लैंड में भी काफी सारे हॉर्मोन्स है, वो भी सारे प्रोटीन्स होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो ये सेल्स में भी काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं। फिर यहाँ पे है ऑलवेज रिमेम्बर, तो ये एक चीज है, हमने देखा कि जैसे ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगा तो ग्लाइकोजन बन के स्टोर होगा, अगर लिपिड्स एक्स्ट्रा हो गए तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो गए, लेकिन अगर प्रोटीन ज्यादा होगा, एमिनो एसिड ज्यादा हो गए, तो बॉडी में स्टोर नहीं होते। एमिनो एसिड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, अमोनिया बनता है और वो बॉडी में से बाहर आ जाता है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स इफ नेसेसरी तो उनको कन्वर्ट किया जा सकता है अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। तो जैसे हमने देखा ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन ग्लूकोज बनने के लिए होता है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, तो वो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन प्रोटीन स्टोर नहीं होते। प्लांट्स में भी एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी एमिनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स। तो मिनरल्स है ये डेनोवो, और अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक एंजाइम इसमें यूज होता है, वो है रुबिस्को। तो ये एंजाइम प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। तो एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये रुबिस्को जो प्रोटीन है, ये प्लांट का एंजाइम है, और ये सबसे ज्यादा प्रोटीन जो नेचर में मिलता है वो है रुबिस्को। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको आना चाहिए। और ये टॉम भी याद रखो, तो प्रोटीन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब कुछ नई चीज बनना, नियो मतलब न्यू, तो न्यू बन रहा है, क्या बन रहा है, ग्लूको, ग्लूकोज, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर ये लिपिड्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी देखा, तो लिपिड्स जो है, लिपिड्स का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड्स। तो सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज लिपिड्स। तो लिपिड्स जब कंज्यूम होता है, डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल बनता है उनमें से। तो फैटी एसिड्स जो है हमारी बॉडी में यूज होता है, लेकिन एक्सेस जो होगा वो फिर स्टोर होगा। जैसे फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट भी, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फैट नहीं खाना। तो हमारे सेल्स की काफी सारी चीजें फैटी एसिड से बनती है, जैसे फॉस्फोलिपिड्स एक मॉलिक्यूल है। तो ये हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो लिपिड्स भी इम्पोर्टेंट है। और फिर हार्मोन्स, काफी सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्रोजिस्टिरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टिरोन, एल्डोस्टिरोन, ये सारे हार्मोन्स बॉडी के, वो भी फैटी एसिड से बनते हैं। और इवन नर्व सेल्स का जो एक्सॉन्स होते हैं, उनका कवरिंग भी फैटी एसिड होता है। तो ऐसा नहीं है कि फैटी एसिड्स बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना है, लेकिन एक्सेस कंज्यूम करेंगे तो ऑफकोर्स वो फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बनेगा और हमारी ओबिसिटी का रीजन बनेगा। तो ये है, और हमने ऑलरेडी देखा कि 1 ग्राम लिपिड से ज्यादा एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम मिलती है एनर्जी। फिर अगला है थिंक, तो यहाँ पे थोड़े सवाल है, देखेंगे। तो ये है पहला, मेनी टाइम्स यू कैन नॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन इन माउथ। तो अल्सर्स हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी। तो हमने अभी तक देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर भी इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन्स खाना जरूरी है, उससे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स नहीं तो आ सकती है। तो विटामिन डेफिशियंसी से अल्सर्स हो जाते, छाले, अल्सर मतलब मुंह में छाले हो गए। फिर दूसरा है, सम पर्सन्स एक्सपीरियंस डिफिकल्टी नाइट विजन सिंस देयर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो थोड़े लोगों को रात में सही से नहीं दिखता, तो रात में जो नाइट विजन में प्रॉब्लम होती है उसको, वो भी विटामिन डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये विटामिन क्या है, विटामिन भी 6 टाइप के होते हैं, 6 मेन टाइप्स है, ए बी सी डी ई एंड के।
इसमें से चार जो है फैट सोल्यूबल विटामिन से और दो है वाटर सोल्यूबल विटामिन से। मतलब वाटर सोल्यूबल है मतलब पानी में मिलके वो घुल जाएंगे, हमको नहीं मिलेंगे अगर पानी में मिक्स कर दिया या ज्यादा ऐसे धो लिया तो, विटामिन वो लूज हो जाएंगे, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल, बाकी चार जो है फैट सोल्यूबल विटामिन से। तो हमने पहले भी देखा क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस में कैसे FADH2 NADH2 बनते हैं, तो ये FADH2 NADH2 जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विटामिन जो है ये उनके प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर विटामिन B2 से FADH2 बनता है और विटामिन B5 से NADH2, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि FADH2 इज प्रोड्यूस बाय, एफ पहले आता है एन बाद में आता है, तो एफ मतलब B2 और एन मतलब B5, और FADH2 B2 का विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और B5 का नाम है निकोटिनामाइड, तो ये आपको याद रखना है। तो ये विटामिन से ही FADH2 NADH2 बनेगा, तो इसके लिए भी विटामिन इंपॉर्टेंट है। फिर यूज योर ब्रेन पावर है, मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ, तो सूख जाता है, मुंह सूखा लगता है, तो क्यों होता है, हमको पानी पीना चाहिए, रिहाइड्रेटेड रहना चाहिए। अगर कभी बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं तो ORS सॉल्यूशन देते हैं, ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो वो सॉल्ट और शुगर और पानी मिक्स करके दिया जाता है, तो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और वो वाटर भी हमारी बॉडी में जरूरी है। तो जब स्वेटिंग भी होती है समर में या काफी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम काम कर लेते हैं, जब स्वेटिंग होती है तो भी हमको ज्यादा पानी हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि बॉडी से वाटर लॉस हुआ है। तो वाटर इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में 65-70% जो हमारा बॉडी है वो वाटर ही है, हर सेल में भी 70% वाटर है बाय वेट, ब्लड प्लाज्मा है उसमें भी 90% वाटर है। तो वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हर सेल के फंक्शन करने के लिए, पूरी बॉडी के फंक्शन करने के लिए वाटर जरूरी है, पानी। तो इवन और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर इज फाइबर्स। अब ये फाइबर्स जो है हम डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में वो फाइबर्स हम कंज्यूम करते तो उससे हमको न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते, लेकिन फाइबर्स हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्मूथ बॉवल्स में भी हेल्प करते हैं, स्मूथली नो एक्सक्रीट करने के लिए भी, तो ये इम्पोर्टेंट है, फाइबर्स भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये लिखा गया है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो काफी सारी डिजीजेस होती है जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरी बेरी, न्यूरिटिस, पेलाग्रा, अनीमिया, स्कर्वी, ये सारे विटामिन डेफिशिएंसी से डिजीजेस है। तो कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है इसका भी एक हम चार्ट देखेंगे, और कोएंजाइम्स क्या होते हैं, चार सवाल का हम जवाब देखेंगे अभी। तो ये दिया गया है जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, तो यही है सिम्टम्स उसके कि हमको डार्कनेस में दिखेगा नहीं, कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विटामिन B1 डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है जिसके अंदर मसल्स वीक हो जाते हैं, बहुत कम एनर्जी रहती है काम करने के लिए। विटामिन सी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब मसोड़ों में से खून निकलने लगता है, इवन कुछ लग गया वूंड्स जो होते हैं उनको भी टाइम लगता है ठीक होने के लिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, बेंड होते हैं। और कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, एक्चुअली ये सारे तो मिनरल्स है, तो इनकी डेफिशिएंसी से भी डिजीजेस होते हैं। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन टूथ डीके, आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर, और आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया। तो एनीमिया यहाँ पे लिखा हुआ है, एनीमिया किससे होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी, रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी, बेरी बेरी विटामिन B1 डेफिशिएंसी, पेलाग्रा विटामिन B3 डेफिशिएंसी। तो पेलाग्रा यहाँ पे भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं विटामिन B3 जिसको नायसिन भी कहते हैं, उससे पेलाग्रा होता है। और एनीमिया जो है ये काफी सारे विटामिन डेफिशिएंसी से भी होता है, जैसे पाइरिडॉक्सिन और इवन विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है, स्कर्वी विटामिन सी। तो ये सारा है, इसके अलावा न्यूरेटिस भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूरेटिस किससे होता है। तो न्यूरेटिस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, न्यूरेटिस एक्चुअली, न्यूरेटिस के सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस। सो न्यूरेटिस में एक्चुअली यहाँ पे भी लॉस ऑफ विजन हो जाता है, तो आई पेन होने लगता है, उसमें भी सिम्टम्स यही होते हैं। फिर आगे आपका सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स, एंजाइम्स मतलब वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे पर उसको हेल्प करे रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को। तो कोएंजाइम्स भी हमारे बॉडी में होते, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स होते,
ये विटामिन जो है वगैरह वो कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, तो रिएक्शन में एंजाइम्स को हेल्प करते, कोएंजाइम्स होते हो। फिर अगला आपकी बुक में दिया गया है, फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ FAD, FMN, NAD एंड NADP। तो FAD इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनाइन फॉस्फेट। तो ये इसके फुल फॉर्म्स है, ये आपको मैं डिटेल यहाँ देती हूँ, ये रहा। तो ये फिर लास्ट सवाल है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। तो इसका भी जवाब है यहाँ पे कि कितना डेली इंटेक चाहिए हमको, काफी कम विटामिन्स का मिलीग्राम्स में, 1 to 1.5, 2 to 3 मिलीग्राम्स, तो इतना मिलीग्राम्स में हमको इसका विटामिन, हर एक विटामिन का इंटेक चाहिए पर डे। तो यही है, यहाँ तक हमारा एक सेक्शन कवर होता है। अगला सेक्शन जो है वो है सेल डिवीजन पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।